नमस्कार वन इंडिया, हिंदी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुकुंद। करोड़ों राम भक्तों का शताब्दियों लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। अयोध्या नगरी किसी दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है। बता दें कि उद्घाटन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन ये मंदिर बनने का और उद्घाटन का जो समय नजदीक आया है, ये सफर, ये इतिहास इतना आसान नहीं था। काफी लंबी कानूनी कार्रवाई हुई, जिसके बाद ये हल निकला, ये रास्ता निकला और 22 जनवरी को पूरा देश राममय हो जाएगा। बहरहाल 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले नरेंद्र मोदी खुद एक बेहद ही धार्मिक सनातनी अनुष्ठान में लगे हैं। देश भर में रामायण से जुड़े महत्वपूर्ण तीर्थों का विदर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। रविवार की बात करें तो रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। ये दौरे का तीसरा दिन है। यहाँ उन्होंने सुबह सुबह भगवान रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर के भीतर 22 तीर्थों में पीएम मोदी ने डुबकी लगाई। इसके बाद दो और जगह पर प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं, जहां सीधे तौर पर रामायण से उन जगहों का नाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि पीएम मोदी उस सेतु के भी नजदीक नजर आए, जिस सेतु को पार करके प्रभु राम और उनकी सेना ने लंका पर चढ़ाई की थी और रावण का अहंकार खत्म कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु के इस दौरे पर धनुषकोटी स्थित अरिचल मुनाई पॉइंट पर भी पीएम मोदी जाने वाले हैं, और ये वही सेतु है जिसके बारे में हम आपको बताए थे। ये वही जगह है जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हैं, और प्रभु राम, जब रामायण की रचना हुई तो उसमें भी यही जिक्र है कि प्रभु राम इसी जगह पर विभीषण से मिले थे और यहीं पर पूरी नीति तैयार की जाती थी कि आगे का युद्ध रावण के खिलाफ कैसे लड़ना है। पूरी प्रभु राम की सेना इसी जगह मौजूद भी थी। बता दें कि इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का और भी लंबा दौरा है। प्रधानमंत्री श्री कोटडारामा स्वामी मंदिर जाने वाले हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि भगवान राम पहली बार विभीषण से इस मंदिर के आसपास मिले थे। सेतु के पास का भी अपना ही वाक्य है, लेकिन इस मंदिर का अपना ही महत्व रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अपने दक्षिण भारत के दौरे पर रामायण काल से जुड़े महत्वपूर्ण जगहों के दर्शन कर चुके हैं। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या में वापसी करेंगे, जहां पर सोमवार को बहुप्रतीक्षित मोस्ट अवेटेड जो इनॉग्रेशन है प्रभु राम के मंदिर का, यानी कि अयोध्या के राम मंदिर का, वो पूरा होना है। और उद्घाटन से बिल्कुल पहले ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी होना है। इतना ही नहीं, पीएम के हालिया मंदिरों के दर्शन पर नजर डालें तो एक खास रामायण कनेक्शन भी यहां पर नजर आता है। महाराष्ट्र के पंचवटी से तमिलनाडु के धनुषकोटी तक प्रधानमंत्री के हालिया चार राज्यों के दौरे पर गौर करें तो रामायण काल से जुड़ी प्रमुख घटनाओं की इसमें आपको झलक मिलेगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए सप्ताहव्यापी अनुष्ठान के पहले दिन महाराष्ट्र के पंचवटी में स्थित कलाराम मंदिर पीएम मोदी गए थे। वनवास काल की बात करें तो ये वही जगह थी जहां पर भगवान राम और माता सीता लक्ष्मण जी अपना अधिकांश समय बिताया करते थे। यहीं से रावण ने माता सीता का हरण किया था, और जो पूरा वो मृग वाला इंसिडेंट था, वो जो पूरी घटना थी, स्वर्ण मिरण जिसे हम कहते हैं, सोने का हिरण, यहीं से वो पूरी घटना रची गई थी। जटायु ने भी यहीं से माता सीता के जो संदेश थे, माता सीता को रावण ले गया, इस बात का जिक्र प्रभु राम के साथ किया था। बता दें कि वीर हनुमान और माता सीता की अशोक वाटिका से जुड़े मंदिर के भी पीएम मोदी ने दर्शन किए हैं। तमिलनाडु के समुद्र तट पर रामायण से जुड़े मंदिरों की यात्रा, ये सारी वो चीजें हैं जो रामायण से जुड़ी थी, और पीएम मोदी ने अलग अलग जगह जाकर समय बिताया, दर्शन किए। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो राम सेतु, जहां पर पीएम मोदी की तस्वीर नजर आई है। पीएम मोदी उस सेतु के पास दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अब सोमवार भी नजदीक है, 22 जनवरी नजदीक है, पूरा देश राममय हो गया है और प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम मंदिर का उद्घाटन हो जाना है। ये 500 साल का जो इंतजार है खत्म होने वाला है।